सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आपको ये पता ही होगा कि बुद्ध धम्म में शामिल होने के लिए दीक्षा का संस्कार होता है। तथागत बुद्ध ने यह दीक्षा का संस्कार रखा था कि यदि कोई युवा या कोई व्यक्ति बुद्ध धम्म में शामिल होना चाहता है, भिक्षु संघ में शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए दीक्षा का संस्कार, यह तथागत बुद्ध ने यह नियम बनाया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस प्रश्न को खड़ा किया होगा कि आखिर तथागत बुद्ध ने दीक्षा का संस्कार क्यों बनाया, आखिर उसके पीछे तथागत बुद्ध की क्या सोच थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न किसी ने अभी तक खड़ा किया होगा, क्योंकि अगर खड़ा होता तो उससे जो अमृत मिलता या उसके उत्तर से जो हमें जानकारी मिलती उसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाता। लेकिन ये प्रश्न जो है, जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहा था, तो उसमें कई जगह लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों की दीक्षा, अछूतों की दीक्षा, चंडाल की दीक्षा, गवारों की दीक्षा, कुलीनों की दीक्षा। अब ये सब दीक्षा कार्यक्रम सारे टॉपिक बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि आखिर तथागत बुद्ध ने दीक्षा का संस्कार आखिर रखा तो क्यों रखा। अब किसी भी जो बुद्धिजीवी लोग है, उन्होंने प्रश्न जरूर करना चाहिए, चाहे तथागत बुद्ध ने कोई बात कही हो या किसी भी बड़े व्यक्ति ने कोई बात कही हो, तो उन्होंने अगर कोई बात कही तो उसमें प्रश्न जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। सिर्फ ध्यान ये रखना चाहिए कि जो प्रश्न किए जा रहे हैं या जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, वो प्रश्न बुद्धि व तर्क के आधार पर होने चाहिए, उलझुलन प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगर बुद्धि और तर्क के आधार पर किसी प्रश्न को खड़ा किया जाता है और उसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, तो जरूर उसमें से हमें कुछ अच्छा सीखने समझने को मिलता है। तो मेरे मन में यह प्रश्न आया कि आखिर तथागत बुद्ध ने दीक्षा का संस्कार क्यों रखा। अच्छा, ये प्रश्न क्यों आया मेरे मन में, क्योंकि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को आप अपना समर्थक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा, अपनी कार्य प्रणाली, अपना जो तत्व ज्ञान है वो सारा उसको समझाते हैं। समझाने के बाद वो व्यक्ति आपके उस सिद्धांत, विचारधारा और ज्ञान को समझता है। समझने के बाद वो मानसिक रूप से जब आपका समर्थक हो गया, मानसिक रूप से आपका अपना हो गया और आपकी बताई विचारधारा पर काम करना शुरू कर दिया, तो फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न तो होना चाहिए। तो जब तथागत बुद्ध समाज में प्रचार प्रसार कर रहे थे और लोगों को अपने सिद्धांत, विचारधारा, भोजन हिताय, भोजन सुखाय की विचारधारा समाज में लगातार बता रहे थे और लोग उस विचारधारा को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, तो फिर दीक्षा का संस्कार देने की आवश्यकता आखिर क्यों बन पड़ी। जब एक बार व्यक्ति मानसिक रूप से आपका समर्थक बन गया, तो फिर दीक्षा की कोई आवश्यकता तो हो नहीं सकती, फिर आखिर क्यों रखा। एक तो ये बात थी, इस वजह से मेरे मन में ये प्रश्न आया। दूसरा, इसका अगर हम उत्तर खोजने जाते हैं, तो जरूर साधारण जो लोग हैं वो इसका उत्तर साधारण तरीके से दे सकते हैं कि दीक्षा का कार्यक्रम इसलिए रखा बौद्ध धम्म में शामिल होने का वचन लिया जाए, या तो बौद्ध धम्म में शामिल होते हैं तो प्रण कर लिया जाए कि अब मैं जीवन पर्यंत बुद्ध धम्म का ही काम करूंगा, या उस व्यक्ति में ये भावना निर्माण होनी चाहिए कि मैं बुद्ध धम्म का एक अंग हूं, इसलिए दीक्षा का संस्कार रखा गया है। तो ये विभिन्न उसके उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन और ये उत्तर सही भी है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, वो सही भी है, लेकिन मेरी नजर से ये एक साधारण उत्तर है या साधारण उसका जवाब है कि आखिर दीक्षा का संस्कार तथागत बुद्ध ने क्यों रखा। ये उसका साधारण जवाब है। क्यों साधारण जवाब मैं कह रहा हूं, इसका पहला कारण यह है कि मान लो दीक्षा का कार्यक्रम रखा, दीक्षा का संस्कार रखा, तो दीक्षा का जिन जो लोग मानसिक रूप से तैयार हो गए बुद्धिज्म की विचारधारा और सिद्धांत को लेकर, तो उनको दीक्षा दो चाहे मत दो, वो उस सिद्धांत और विचारधारा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ऐसा होता है, अगर आपने सिद्धांत विचारधारा को स्वीकार किया, उस तत्व ज्ञान को स्वीकार किया, बुद्धा के बताए मार्गों को स्वीकार किया, तो अगर दीक्षा लो चाहे मत लो, लेकिन उन सिद्धांतों के लिए आदमी अपनी जान की बाजी लगा देता है। और ऐसा इतिहास में हुआ,
जब पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की तो जो बौद्ध जनता थी जिसे कट्टर बुद्धिस्ट कहते हैं, कट्टर बुद्धिस्ट का मतलब यह है कि उन्होंने उन सिद्धांत विचारधारा को आत्मसात कर लिया था और आत्मसात करने के बाद वो बुद्ध के उन सिद्धांतों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और जब अनुकूल परिस्थिति आई ब्राह्मणों के लिए तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी व्यवस्था का जब निर्माण करने का काम किया तो उन कट्टर बौद्धों ने ब्राह्मणी व्यवस्था को मानने से मना कर दिया। जब मना किया तो मनुस्मृति ने उनको अछूत घोषित कर दिया या अछूत उनको बनाया। तो वो जो बुद्धिस्ट थे उन बौद्धों ने अछूतपन को स्वीकार किया, गांव से बाहर रहना स्वीकार किया, मरे जानवरों का मांस खाना स्वीकार किया मजबूरी में, लेकिन बुद्ध के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और ब्राह्मण सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। तो वो जो बौद्ध थे तो ये तो तथागत बुद्ध से कई साल साल बाद की, सैकड़ों साल बाद की बात है जब ये घटना घटी, तो तब तो तथागत बुद्ध नहीं थे दीक्षा देने के लिए, वो तो परंपरा से बुद्धिस्ट होते चले आ रहे थे। तो फिर वो कौन सा बंधन था जो बुद्ध के साथ में उनको इतना प्रगाढ़ तरीके से जोड़ा हुआ था कि उन्होंने अछूतपन को स्वीकार किया लेकिन बुद्ध के सिद्धांतों को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तो वो जो रिश्ता था बुद्ध और बौद्ध जनता के बीच, वो सिद्धांतों का, विचारधारा का, तत्व ज्ञान का, बुद्ध के बताए मार्ग का रिश्ता था, जिसके कारण उन्होंने नीचपन जो लादा गया उसको स्वीकार किया लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, बुद्ध के सिद्धांतों और विचारधारा को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में फिर दीक्षा के संस्कार का क्या? फिर प्रश्न वही रहता है कि आखिर फिर तथागत बुद्ध ने दीक्षा का संस्कार क्यों किया? दूसरा एक तर्क यह है कि मान लो दीक्षा का संस्कार दिया, दीक्षा दे दी, वो संस्कार कर लिया, तो दीक्षा देने के बाद भी जिस व्यक्ति ने बुद्धिज्म की दीक्षा ली वो जीवन पर्यंत बुद्धिज्म की राह पर वास्तविक तरीके से कार्य करेगा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी? ये भी तो प्रश्न खड़ा हो सकता है कि बुद्धिज्म की दीक्षा लेने के बाद वो फिर बुद्धिज्म के राह पर ही जीवन पर्यंत चलेगा, इसकी क्या गारंटी? तो इसका उदाहरण भी हमारे सामने है। तथागत बुद्ध के समय ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर उन्होंने तथागत बुद्ध का महिमा मंडन किया, तथागत बुद्ध का बहुत तारीफ किया, उनके बालों की, उनके आंखों की, उनके चलने की, महिमा मंडन महिमा मंडन महिमा मंडन किया। और जैसी अनुकूल परिस्थिति आ गई फिर ब्राह्मणों ने क्या किया? उन्होंने उसी बुद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। तो फिर दीक्षा, जिन ब्राह्मणों ने दीक्षा ली वो दीक्षा लेने का क्या मतलब रह गया जब दीक्षा लेने के बावजूद उन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त करने का काम किया? ब्राह्मणों ने दीक्षा नहीं ली थी ऐसा तो है नहीं, बुद्ध और उनका धर्म में स्वयं ही बुद्ध और उनका धर्म में दिया ही हुआ है ब्राह्मणों की दीक्षा। तो दीक्षा लेने के बावजूद, एक तरफ दीक्षा लेने के बावजूद वो अगर बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ दीक्षा का संस्कार हो या नहीं हो लेकिन सिद्धांत और विचारधारा लेने के बाद में बौद्ध जनता बुद्ध के सिद्धांतों को या बुद्धिज्म को छोड़ने को तैयार नहीं है बल्कि अछूतपन को स्वीकार करने को तैयार हो गई लेकिन बुद्ध के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, तो फिर दीक्षा का संस्कार तथागत बुद्ध ने क्यों रखा? प्रश्न तो वही खड़ा हुआ। जब ऐसी स्थिति है और तथागत बुद्ध ये बात नहीं जानते होंगे, ऐसा तो है नहीं, तथागत बुद्ध इस बात को तो जानते समझते ही होंगे कि दीक्षा का संस्कार दिया जा रहा है लेकिन वो वचन लिया जा रहा है, प्रण लिया जा रहा है लेकिन वो जीवन पर्यंत बुद्धिज्म के राह पर चलेगा नहीं चलेगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो फिर आखिर दीक्षा का संस्कार दिया गया, तो इसका अगर वास्तविक उत्तर आपको अगर खोजना है या इसका वास्तविक समाधान अगर निकालना है तो एक भक्त बनकर हम इसका उत्तर नहीं ढूंढ सकते। अभी तक मैंने जो बात की हो सकता है उसमें भी किसी को बुरा लगा हो कि तथागत बुद्ध ने दीक्षा का संस्कार रखा और ये लड़का क्या बोल रहा है, लेकिन प्रश्न खड़े करने से और तर्क और बुद्धि के आधार पर प्रश्न खड़े करने से अच्छे जवाब निकलते हैं और वो प्रश्न खड़े करने चाहिए। वो प्रश्न अच्छे जवाब या जिसे हम कहे अमृत प्राप्त करने के लिए वो प्रश्न खड़े करने चाहिए। तो अब अगर हम एक भक्त की नजर से अगर इसको खोजने का प्रयास करते तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। भक्त की नजर से अगर हम खोजते तो फिर हमें तथागत बुद्ध भगवान दिखाई देंगे। तो
तो भक्त के नजरिए से अगर हम इसके उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भक्त की खासियत होती है कि वो बिना सवाल जवाब किए जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, यह भक्त की खासियत होती है। लेकिन यदि हम आंदोलनकारी होकर आंदोलन की दृष्टिकोण से अगर इस प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं तो जरूर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जवाब इसका जरूर मिलेगा। तो अब मैं आगे जो है एक आंदोलनकारी के दृष्टिकोण से अगर इस प्रश्न को हम खोजने का प्रयास करते हैं और तथागत बुद्ध को एक आंदोलनकारी के नजरिए से देखकर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिर तथागत बुद्ध ने दीक्षा का संस्कार क्यों रखा, तो पहले हमें इस बात को समझना होगा कि तथागत बुद्ध ने आखिर कौन सा आंदोलन चलाया। तो तथागत बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया उसका उद्देश्य वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना, यज्ञ संस्कृति को समाप्त करना और ब्राह्मणी वर्चस्व को समाप्त करना, ये बुद्ध के आंदोलन का मेन उद्देश्य था। वर्ण व्यवस्था समाप्त करना, यज्ञ संस्कृति समाप्त करना, ब्राह्मणी वर्चस्व को समाप्त करना। तो अब अगर उनका ये उद्देश्य था तो फिर वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना था। तो मौलिक रूप से समता का निर्माण करना था, बाकी की चीजें समता के आने के बाद आती है। स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय ये बाद में आता है, सबसे पहले समता आती है। और समता के विरोध में वर्ण व्यवस्था थी। तो अब ये जो युद्ध था बुद्ध का और ब्राह्मणी व्यवस्था का, ये वर्ण व्यवस्था वर्सेस समता का युद्ध था, लोकतांत्रिक युद्ध था, विचारधारा का युद्ध था। तो वर्ण व्यवस्था वर्सेस समता का युद्ध था। अब वर्ण व्यवस्था असमानता पर आधारित है, उसको समता में जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना है और समता प्रस्थापित करना है। तो समता प्रस्थापित करने के लिए क्या करना होगा, इसके उत्तर में जुड़ा हुआ उत्तर है दीक्षा का संस्कार। अब वो कैसे, अब इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, शॉर्टकट में समझने वाली बात नहीं है। तो दीक्षा के संस्कार के दो नियम थे। पहला यह था कि अगर आपको बुद्धिज्म ग्रहण करना है, बुद्धिज्म में शामिल होना है, तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। और दूसरा यह था कि जो पहले दीक्षित होगा वो सीनियर होगा, जो बाद में दीक्षित होगा वो जूनियर होगा। ये दो नियम थे दीक्षा के संस्कार में। तब पहला नियम तो चलो समझ में आता है कि बुद्धिज्म में शामिल होना है तो दीक्षा का संस्कार आपको करना होगा, जिससे कि व्यक्ति बुद्धिज्म का, अपने आप को बुद्धिज्म का अंग समझे, उसके अंदर बुद्धिज्म होने की भावना निर्माण हो, वो उन सिद्धांतों को अंगीकार करे, इसके लिए दीक्षा का संस्कार। ये सिंपल वे में ये बात समझ में आती है। लेकिन भिक्षु संघ में शामिल होने पर या बुद्धिज्म में शामिल होने पर जो पहले दीक्षित होगा वो सीनियर होगा, जो बाद में दीक्षित होगा वो जूनियर होगा, इस बात को या इस नियम को बुद्धिज्म में क्यों, दीक्षा के संस्कार में क्यों शामिल किया। अब इसमें प्रश्न किया जा सकता है कि एक तरफ आप कहते हो कि हम समता प्रस्थापित करना चाहते हैं, ऊंच नीच खत्म करना चाहते हैं, और फिर दीक्षा के संस्कार में आप सीनियर जूनियर का भी मामला लाते हो। एक तरफ आप कहते हैं कि देश की, जिस प्रकार देश में अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न नदियां बहती है, उन नदियों का अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम होता है, अपना अस्तित्व होता है, लेकिन जैसे ही बहते बहते वो सागर में जाके समा जाती है तो वो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर वो सारी समान हो जाती है। तो जब बुद्धिज्म स्वीकार करने पर समान हो गए तो फिर सीनियर जूनियर का मामला क्यों रखा, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर समता कैसे प्रस्थापित करोगे जब सीनियर जूनियर का मामला रखा। तो इसके पीछे का जो कारण है, जहां तक बुद्ध और उनका धम्म का अध्ययन करने पर यह बात समझ में आती है कि इसके पीछे का कारण इस वर्ण व्यवस्था की असमानता को समाप्त करना था। अब वो कैसे, तो इसके लिए बुद्ध और उनका धम्म में ही उदाहरण दिया हुआ है। अब वो उदाहरण किस प्रकार से है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं।
तो दीक्षा के संस्कार में ये जो सीनियर और जूनियर का नियम बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण था? इसका उत्तर हमें बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनका धम्म में दिखाई पड़ता है। अब वो बुद्ध और उनका धम्म में वो उत्तर कैसे है तो इसको बताया गया है एक जगह पे। तो एक्चुअल में वो किताब में दो अलग अलग भागों में दिया हुआ है, हम उन दोनों वो घटना एक ही है लेकिन दो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाग में दी हुई है, हम उन दोनों को एक साथ मिलाकर उस घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बुद्ध और उनका धम्म इस किताब के अध्याय 2 भाग 4 और टॉपिक नंबर 3 जिसका शीर्षक है शाक्यों का स्वागत, इस शीर्षक में आधा भाग दिया हुआ है। तो हम पहले उस आधे भाग को पढ़ते और समझते हैं। तो वो इस प्रकार से है कि शाक्यों के जनपद में अपनी वापसी पर तथागत बुद्ध ने पाया कि उनके जनपदवासी दो समूहों में बटे हुए हैं, एक उनके पक्ष में और दूसरे उनके विरोध में। इससे उन्हें पुराने मतभेद की याद आ गई जो शाक्य संघ में उस समय पैदा हुआ था जब शाक्यों और कोलियों के मध्य युद्ध का प्रश्न खड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो उस समय तथागत के विरोधी थे उन्होंने आज भी उन्हें प्रणाम करने और उनकी महानता को मानने से इनकार कर दिया था। तथागत बुद्ध के विरोधी थे शाक्यों में ही, तथागत बुद्ध खुद शाक्य वंश के थे और शाक्यों में उनके विरोधी थे, उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया और उनको कि ये परिवारजक है, इन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सिद्धांतों की जानकारी हो गई, उसको भी मानने से मना कर दिया। बहुजन समाज बहुत निराला है। तो जो उनके पक्ष में थे उन्होंने पहले ही यह मन बना लिया था कि प्रत्येक घर से एक पुत्र को संघ में शामिल करेंगे। तब उन शाक्य परिवारों के युवा जिसमें भद्दीय, अनुरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त थे, वे अपनी चतुरंगी सेना के साथ तथागत बुद्ध से परिवर्जा लेने के लिए निकले। उनके साथ में नाई उपाली भी था। जब वे कुछ दूर चले गए तो उन्होंने अपनी सेना को वापस कर दिया और सीमा पार कर पड़ोसी जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहनों आदि को उतार कर उन्हें अपने वस्त्रों में लपेट कर उनकी एक गठरी बनाई और नाई उपाली से कहा कि भले उपाली, तुम वापस कपिल वस्तु चले जाओ और इन सुंदर गहनों और वस्त्रों का उपयोग करो, ये वस्तुएं तुम्हारा गुजर बसर करने के लिए पर्याप्त तो होगी, हम तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार वह आगे बढ़ गए। नाई उपाली को अपने कपड़े गहने वगैरह सब दे दिए और उससे कहा कि तुम अब वापस अपने कपिल वस्तु नगर में चले जाओ और हम अब तथागत बुद्ध जिधर गए हैं, जहाँ ठहरे हुए हैं, हम उस ओर जा रहे हैं ताकि उनसे प्रविज्ञा ग्रहण करें। तब उपाली ने भी वापस घर लौटने के उद्देश्य से विदा ली। अब ये आधा भाग है जो अध्याय 2 के भाग 4 में दिया हुआ है। इसका जो अगला भाग है वो अध्याय 2 के ही भाग 6 में दिया हुआ है। अब वो इस प्रकार से है, वो अध्याय 2 भाग 6 के टॉपिक नंबर 1 जिसका शीर्षक है नाई उपाली की दीक्षा, जो इस प्रकार है। वापस लौटते समय नाई उपाली ने सोचा कि शाक्य उग्र स्वभाव के लोग हैं, यदि मैं इन सुंदर आभूषणों और वस्त्रों के साथ वापस जाऊंगा तो कहीं वे यह न सोच ले कि मैंने अपने शाक्य युवाओं की हत्या की है और उनके आभूषणों को लेकर भाग आया। अगर वे ऐसा सोचेंगे तो वे मुझे जरूर मार डालेंगे। इस प्रकार विचार करने पर नाई उपाली ने सोचा कि क्यों न मैं भी शाक्य कुल के युवाओं के पीछे पीछे चला जाऊं। तब उसने आभूषणों की गठरी अपनी पीठ से उतार कर यह कहते हुए एक वृक्ष पर लटका दी कि जो इसे पाए एक भेंट के रूप में ले जाए, और वह स्वयं शाक्य युवाओं का पीछा करने के लिए लौट पड़ा। शाक्यों ने उसे दूर से ही आते देखा और उसके पास आने पर वे उससे बोले कि उपाली, तुम किस लिए वापस आए हो?
तब भूपाली ने अपने मन में आए उन विचारों को शाक के युवाओं को बताया। तब शाक के युवाओं ने कहा कि भूपाली तुमने अच्छा किया कि तुम वापस नहीं लौट गए, क्योंकि शाक्य उग्र स्वभाव वाले हैं और वो तुम्हें मार भी सकते थे। तब उन्होंने नाई भूपाली को अपने साथ लिया और जहां तथागत थे उस ओर चल पड़े। तथागत के पास पहुंचने पर उन्होंने प्रणाम किया, एक ओर आसन ग्रहण किया और इस प्रकार बैठकर उन्होंने तथागत से कहा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जिसे ध्यान पूर्वक आपने सुनना चाहिए। वो ये है, उन शाक्य युवाओं ने तथागत बुद्ध से जो कहा वो इस प्रकार कहा है कि तथागत, हम शाक्य स्वाभिमानी स्वभाव के हैं और यह नाई भूपाली एक लंबे समय से हमारी सेवा करता आ रहा है, इसलिए तथागत हमसे पहले इसे संघ में प्रवेश दे जिससे कि हम इसे आदर और सत्कार दे सके और अपना ज्येष्ठ मानकर इसके सामने हाथ फैलाकर प्रणाम करें। इस प्रकार हम शाक्यों का अभिमान विनम्र होगा। तब तथागत ने सर्वप्रथम नाई भूपाली को भिक्षु संघ में प्रवेश दिया और तत्पश्चात शाक्य कुल के उन नव युवकों को संघ में सम्मिलित किया। अब ये जो घटना हमारे सामने है जो कि बुद्ध और उनका धम्म में दी हुई है, तो शाक्य नवयुवक कह रहे हैं कि नाई भूपाली चूंकि हमारे यहाँ नौकर है तो उसे आप पहले दीक्षा दो ताकि वो हमसे ज्येष्ठ हो जाए यानी सीनियर हो जाए, और हमको बाद में दीक्षा दो ताकि हम जूनियर हो जाए और फिर हम उस ज्येष्ठ नाई भूपाली को प्रणाम करें। ये जो बात है ये इस बात को सिद्ध करती है कि दीक्षा के संस्कार में सीनियर और जूनियर का कॉन्सेप्ट था, और ये बात इस बात को भी स्वीकार करती है, ये बात इस बात को भी साबित करती है कि भिक्षु संघ के बाहर जो नौकर था वो भिक्षु संघ में शामिल होने पर सीनियर हो गया, और जो भिक्षु संघ के बाहर शाक के नव युवक थे जिन्हें राजा के राजकुमार भी कहा जा सकता था, वो शाक के नव युवक भिक्षु संघ में शामिल होने के बाद उस जो नौकर था उसके जूनियर हो गए। अभी एक सिंपल सी घटना हमारे सामने है लेकिन इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब आप एक आंदोलनकारी के रूप में अगर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं तो आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा, बहुत कुछ दिखाई देगा। अब भिक्षु संघ में जो सीनियर जूनियर का नियम है, अब इस नियम को आप कल्पना कीजिए कि वर्ण व्यवस्था में जो लोग वर्णों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहां पर अगर इस नियम को लागू कर दिया जाता है तो क्या परिणाम आएगा, उसके ऊपर हम सोचने का समझने का प्रयास करते। तो आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए तथागत बुद्ध किसी गांव में गए और उस गांव में अलग अलग वर्ण के लोग रहते हैं, तो तथागत बुद्ध को ये तो पता है कि गांव में किस वर्ण के लोग कौन से एरिया में रहते हैं। अब ये कोई काल्पनिक या चमत्कारिक बात नहीं है बल्कि जो समाज में निरंतर प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचारक होते हैं, उन्हें इसकी जानकारी होती है। आज के समय में भी जो बामसेप के प्रचारक है आप उनसे पूछिए, जो 4 महीने 6 महीने साल 2 साल किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उन्हें ये पूरा पता चल जाता है कि उस राज्य के कौन से क्षेत्र में कितने परसेंट कौन से समुदाय के लोग हैं, एक जिले में कौन से लोग किस एरिया में रहते हैं, कहां पर कौन सी बात बोलनी है, किस एरिया में जाकर किस महापुरुष की जयंती मनानी चाहिए, किस एरिया में जाकर कौन सा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कहां लेना है, कहां पर शिवाजी महाराज की जयंती मनानी है, कहां बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनानी है, किन लोगों को कैसा समझाना, ये तो बामसेप के प्रचारक जानते हैं, आप उनसे पूछ के देखिएगा, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो तथागत बुद्ध जिस गांव में जाते थे तो उन्हें पता रहता था कि किस वर्ण के लोग किधर रहते। अब मान लीजिए कि गांव में तथागत बुद्ध की सभा हुई, बैठक हुई, उस बैठक में अलग अलग वर्ण के लोग बैठे हुए हैं। अब बुद्ध को तो पता है कि कौन कौन से वर्ण के लोग, तो तथागत बुद्ध क्या करेंगे, जो शूद्र वर्ण के लोग हैं उनको पहले दीक्षा देंगे। अब मान लो शूद्र वर्ण के लोगों को पहले दीक्षा दी तो भिक्षु संघ के या बुद्धिज्म के बाहर वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र था, जब
बुद्धिज्म में शामिल होगा तो पहले दीक्षा शूद्र को दी तो वो एज ए बुद्धिज्म या दीक्षा के संस्कार के अनुसार सीनियर हो गया। अब सीनियर हो गया और बाद में फिर दूसरे वर्ण को दीक्षा दी तो जो बुद्धिज्म के बाहर श्रेष्ठ था या वर्ण व्यवस्था के अनुसार श्रेष्ठ था वो बुद्धिज्म में शामिल होने पर जूनियर हो गया। तो शूद्र को पहले अगर दीक्षा देते तो सीनियर हो जाएगा और फिर जो वर्ण व्यवस्था में अपने आप को ऊंचा मानते थे वो बुद्धिज्म में शामिल होने पर वो जूनियर हो जाएगा और उस जिसे पहले शूद्र कहा जाता था उस सीनियर को मान सम्मान देना होगा। यही हो सकता है ना। अगर अलग अलग वर्ण के लोग उस गांव में है और तथागत बुद्ध ने शूद्र वर्ण के लोगों को पहले दीक्षा दी तो वो बुद्धिज्म में सीनियर हो गए, बाद में दूसरे वर्ण के लोग अगर दीक्षित होते तो वो जूनियर होंगे। तो वर्ण व्यवस्था की जो असमानता है उसके ऊपर दीक्षा का संस्कार ये कुठाराघात। इसलिए मैंने टॉपिक पे लिखा हुआ है दीक्षा का संस्कार ये वर्ण और जाति की व्यवस्था के विरोध में बुद्ध का हथियार। तो बुद्ध ने क्या किया, इस दीक्षा के संस्कार का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और किसलिए इस्तेमाल किया, वर्ण व्यवस्था की असमानता को समाप्त करके समता प्रस्थापित करने के लिए। इसके लिए दीक्षा का संस्कार का उपयोग किया गया। ये बड़ा रहस्य है क्योंकि किसी भी आंदोलन करने वाले व्यक्ति को अपने समय में अपनी परिस्थिति अनुसार उस पर और अनुकूल परिस्थिति अनुसार वैसे हथियारों का विकास करना पड़ता है। ये लोकतांत्रिक हथियार है दीक्षा का संस्कार, किसी को फिजिकली हार्म तो पहुंचाता नहीं है, ये लोकतांत्रिक हथियार है संस्कार। तो दीक्षा का संस्कार ये वर्ण और जाति की असमानता पर प्रहार करने वाला संस्कार था, या यूं कहे वो तलवार थी जिसने ऊंच नीच की भावना और असमानता के ऊपर पर प्रहार किया। अब इस दीक्षा के संस्कार का महत्व को समझने के लिए हम दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं, दीक्षा के संस्कार का क्या महत्व है आखिर? इसके महत्व को जानने के लिए और इस समता से जुड़ा हुआ कैसे है, दीक्षा का संस्कार असमानता को समाप्त करके समता से जुड़ा हुआ कैसे है, इसको समझने के लिए हम दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं। वो प्रश्न ये है कि क्या केवल सिद्धांत विचारधारा और तत्व ज्ञान के आधार पर ही समता प्रस्थापित की जा सकती है? एक प्रश्न है। यदि हम केवल समानता का प्रचार करें, सिद्धांत का प्रचार करें, विचारधारा का प्रचार करें, तत्व ज्ञान का प्रचार करें, क्या केवल इन प्रवचनों के आधार पर ही समता प्रस्थापित की जा सकती है? सच्चाई ये है कि केवल इसके आधार पर प्रस्थापित नहीं की जा सकती। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर भी समता प्रस्थापित करना चाहते थे। वो समता के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने भाषण दिए, कार्यक्रम लगाए, लोगों में ऊंच नीच की भावना खत्म हो इसके लिए पूरी भाषण दिए, संगठन बनाए और डेली उनके अलग अलग क्षेत्र में कार्यक्रम चलते थे, डेली वो इस काम में लगे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद केवल भाषणबाजी करने से समता प्रस्थापित नहीं होती है। तो समता प्रस्थापित करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया, वो गोलमेज परिषद में लंदन गए और लंदन में जाकर उन्होंने वोट का अधिकार प्राप्त किया। तो समता को प्रस्थापित करने के लिए सिद्धांत विचारधारा और तत्व ज्ञान की आवश्यकता तो होती है, लेकिन साथ में समता प्रस्थापित करने के लिए जिनको आपने असमान माना, जिनको नीच माना, उनको विशेष अधिकार देने पड़ते हैं। जब विशेष अधिकार मिलेंगे तो बराबरी का मामला जम पाता है ना। केवल भाषण देने से तो समता प्रस्थापित नहीं होती है, साथ में अधिकार भी चाहिए होते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के भाषण दिए, कार्यक्रम लगाए, संगठन बनाया, लोगों को समझाया, लेकिन फिर समझाने के बाद क्या किया, तो उन लोगों को अधिकार मिले इसके लिए गोलमेज परिषद में गए और वहां से वोट का अधिकार लेकर आए। अब जब वोट का अधिकार मिला तो अधिकार मिलने पर फिर राजनीतिक रूप से हम समान हो गए। केवल भाषणबाजी देने से समानता नहीं आती ना, उसके लिए अधिकार का होना जरूरी है, उन अधिकारों का होना जरूरी है जिनका उपयोग करके समानता जाहिर की जा सके।
तो आज की तारीख में वोट का वैल्यू बराबर है, इस वजह से तो राजनीतिक रूप से समान माना जाता है ना, सभी का वोट का वैल्यू बराबर है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि आज हम विसंगति पूर्ण जीवन में जीने जा रहे हैं, कि हम राजनीतिक रूप से समान है, रानी का वोट हो चाहे मेहत रानी का वोट हो, दोनों की वैल्यू एक है, लेकिन सामाजिक रूप से असमान है। तो समता कब प्रस्तावित होती है? सिद्धांत, विचारधारा, तत्व ज्ञान ये लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए तो है ही, लेकिन जब तक उन पिछड़े हुए लोगों को, जिन लोगों को आपने नीच बनाया, जिन लोगों को आपने हजारों सालों से साधन संसाधनों से विहीन रखा, उनको अधिकार मिलने पर यह समता का मामला बनता है। तो अब हम प्रश्न करते हैं कि तथागत बुद्ध समता प्रस्थापित करना चाहते थे, तो समता प्रस्थापित करने के लिए तथागत बुद्ध के पास में क्या अथॉरिटी थी? उन शूद्रों को जिन्हें ब्राह्मणों ने यज्ञ संस्कृति के आधार पर, ब्राह्मण संस्कृति के आधार पर शूद्र घोषित किया या उनको अधिकार विहीन करने का काम किया था, उनको अधिकार देने के लिए तथागत बुद्ध के पास में क्या अथॉरिटी थी? तो बाबा साहब के पास में तो वोट का अधिकार वो लेके आए, तथागत बुद्ध के पास में क्या था? तथागत बुद्ध ने यह कहा कि मैं आपको राजा बनाने वाला हूं ना, तथागत बुद्ध ने यह कहा कि राजा के प्रशासन में आपको नौकरी मिलनी चाहिए, प्रशासन में नौकरी के लिए तो उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं, ना ही उन्होंने सेना में भर्ती करने के लिए राजा को कहा कि आप इन लोगों को सेना में भर्ती करो, ये तो तथागत बुद्ध ने किया नहीं। तथागत बुद्ध के पास स्वयं कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, सारा कुछ छोड़ के आ गए थे, उनके पास में दो चीवर, एक भिक्षा पात्र और ये मुंडन करने वाला जो औजार होता है वो, ये छह सात चीजें जो बुद्धिज्म में कही जाती है कि सात से ज्यादा चीजें नहीं रखना है, उतना ही था। तो भी बुद्ध के पास में क्या था जिससे वो समता प्रस्थापित करे, कौन सा अधिकार दे सकते थे? तो बुद्ध के पास में जो अथॉरिटी थी वो अथॉरिटी थी बुद्धिज्म में शामिल होने के लिए दीक्षा का संस्कार और दीक्षा के संस्कार में सीनियर और जूनियर का नियम बनाने की अथॉरिटी। तो तथागत बुद्ध ने उस अथॉरिटी का यूज किया और उस अथॉरिटी का यूज करके भिक्षु संघ में नियम बनाए कि जो पहले शामिल होगा वो सीनियर होगा, जो बाद में शामिल होगा वो जूनियर होगा। तो ये जो सीनियर और जूनियर का जो नियम बनाया और जो अथॉरिटी तथागत बुद्ध के पास थी, ये बहुत बड़ी अथॉरिटी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भिक्षु संघ में शामिल होना ये कौन सी ऐसी बहुत बड़ी अथॉरिटी होगी, क्योंकि सुनने वाले जो वीडियो देखने वाले लोग है वो केवल बुद्धिस्ट लोग नहीं है, नहीं तो बौद्ध लोगों को लगेगा कि भाई ये कैसी बात कर रहा है, ये वीडियो सभी लोग देखते हैं, तो जरूर ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ऐसी कौन सी बड़ी अथॉरिटी थी बुद्ध धम्म में शामिल होना, अगर बुद्ध ने दीक्षा दे भी दी और सीनियर बन भी गए तो ऐसी कौन सी बड़ी अथॉरिटी थी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय जो भारत की स्थिति थी या भारत में जो संस्कृति थी, उस संस्कृति के अनुसार जो व्यक्ति घर त्याग करके परिवारजक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था, उस स्थिति उस व्यक्ति का जो स्तर है वो उसी प्रकार था जैसा कि आज के समय में आपके जिले में आपका कलेक्टर होता है। अगर उस समय की आप भारतीय संस्कृति का अध्ययन करो तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि जो परिवारजक होते थे उनका जो स्तर होता था, वो अपने जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में वो कलेक्टर के लेवल के होते थे, जैसे आज के समय में हमारे यहाँ कलेक्टर होता है, वो जिले का बॉस होता है। अब आपके जिले में मान लो किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई तो आप ज्ञापन लेकर किस किया जाते हैं? तो कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, वहां जाकर ज्ञापन देते हैं, समस्या बताते हैं, समस्या का समाधान करने के लिए आप उसमें निवेदन करते हैं, क्यों? आपके जिले का वो बॉस होता है, उसके हाथ में सारे निर्णय लेने का अधिकार होता है, आप कलेक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार उस समय किसी गांव में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई तो उस समस्या के समाधान के लिए गांव के लोग उस एरिया में जो प्रसिद्ध परिवारजक होता था उनके पास जाते थे,
और फिर वो परिवार जो उनका मार्गदर्शन करता था, सही रास्ता बताता था और उस गांव में जो समस्या निर्माण हुई उस समस्या का समाधान करता था, तो मार्ग बताने का काम करते थे। तो गांव के लोग उस परिवारजक के पास जाते थे और जो परिवारजक समझाते थे उस बात को स्वीकार करते थे और उसके अनुसार अपने समस्या का समाधान करते थे एज ए सोशल स्ट्रक्चर। समाज सामाजिक जो संस्कृति थी हमारे देश की, इसलिए कहा जाता है कि और साधुओं का ये देश रहा है, संतों का देश रहा है, वो यही है परिवारजकों का देश। परिवारजक जो थे उन वो लोगों का सही मार्गदर्शन करते थे जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो, तो लोग उनके पास जाते थे, इससे उनको एक अथॉरिटी मिली हुई थी कि परिवारजक जो बात कहते थे, जो बताते थे, उसको लोग ध्यान पूर्वक सुनते थे, उस पर अमल करते थे। तो आज के समय में जो आईएएस की जो हैसियत है वो हैसियत उस समय में परिवारजक की होती थी। तो ये जो अथॉरिटी थी, ये अथॉरिटी तथागत बुद्ध के पास थी। उस अथॉरिटी का उपयोग तथागत बुद्ध ने समता को प्रस्थापित करने के लिए किया, इसलिए तथागत बुद्ध ने दीक्षा का संस्कार रखा। ये दीक्षा का संस्कार एक हथियार है, तथागत बुद्ध का एक हथियार था उस समय की परिस्थिति काल के अनुसार। तो उस हथियार का उपयोग उन्होंने वर्ण व्यवस्था की असमानता को समाप्त करके समता को प्रस्थापित करने के लिए दीक्षा के संस्कार का उपयोग किया। तो इस तरह साथियों, अगर आप एक आंदोलनकारी बनकर, एक आंदोलन का दृष्टिकोण अपनाकर अगर बुद्ध के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, तो बुद्ध के प्रत्येक प्रवचन में, प्रत्येक विचारधारा में, सिद्धांत में आपको आंदोलन ही दिखाई देगा, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। और अगर भक्त बनकर अगर आप अध्ययन करते हैं, तो फिर आपको केवल बुद्ध की भक्ति ही दिखाई देगी। तो मैं जो अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, तो मेरा यही इसके पीछे उद्देश्य होता है कि हमारे जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आंदोलन का दृष्टिकोण अपनाकर प्रत्येक विचार का, सिद्धांत का, विचारधारा का और महापुरुषों के संघर्ष का, उन्होंने आंदोलन का दृष्टिकोण अपनाकर अध्ययन करना चाहिए। यही वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद होता है और वो दृष्टिकोण आप लोगों के अंदर निर्माण हो, ताकि हमारा जो आज के समय में जो ब्राह्मणी वर्चस्व इस देश में बना हुआ है, वो ब्राह्मणी वर्चस्व को हम समाप्त कर सके और अपने भारत देश के मूलनिवासी बहुजन समाज के लोगों को आजाद कर सके। इसलिए मैं विभिन्न विषयों पर आंदोलन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दीक्षा का संस्कार है, ये समता को प्रस्थापित करने के लिए तथागत बुद्ध का हथियार था, इस ये बात आपको समझ आई होगी। और अगर कुछ इसमें ऐसे प्रश्न अगर आपके मन में निर्माण होते हैं या कोई बात ऐसी आती है कि जिससे आपको लगे कि संतुष्टिकारक बात नहीं हुई है, तो आप कमेंट में जरूर अपने बात रख सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरे पास जो भी जानकारी होगी तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, अगर मेरे पास जानकारी नहीं होगी तो उत्तर खोजने का प्रयास करूंगा। ये खोज निरंतर और जीवन पर्यंत चलती रहनी चाहिए। तो इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासी।